हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी जहाँ सुन रहा होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ, बात की जाए इस नॉवल की। ये वाली जो नॉवल है ना, इसे मैंने ट्रेंडिंग नॉवल से पिक किया है, लेकिन उसका एक इसे पिक करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न था, वो था इसका नाम। अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो मैं अभी आप लोगों को नाम बताऊँगी, तो आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। तो पहले मैं आप लोग के साथ इसके डेज जो है वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को इसके ब्लॉग में, वहाँ जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है धोखा बदला लव। अब समझ आया, मतलब इसका नाम ही इतना अटपटा सा था, इतनी सारी चीज़ें एक साथ ही मेंशन कर दी गई, तो फिर तो मुझे पढ़ना था ही ना, मुझे भी जानना था भाई ऐसा क्या हुआ कि धोखा भी हो गया, फिर बदला भी लेना है, फिर प्यार भी हो गया, है ना। तो बस वही जानना था मुझे, इस वजह से मैंने जो है इस स्टोरी को पढ़ा। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है अंजलि कुमारी। इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसके जो अब तक चैप्टर्स आए हैं वो 20, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है माया ठाकुर, और दूसरी तरफ जो हमारे हीरो हैं उनका नाम है रुद्र सिंह प्रताप। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि माया ठाकुर 18 साल की उम्र में ही बिजनेस क्वीन का खिताब अपने नाम कर चुकी थी। आज वो बहुत खुश थी। आज माया की शादी उसी के मंगेतर शौर्य मल्होत्रा से होने जा रही थी। शादी के अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे माया ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। माया का ही पति और उसकी बहन ने मिलकर उसे धोखा दिया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। माया के घर वालों ने माया के पति के साथ मिलकर माया को उसी के ठाकुर मेंशन में जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। क्या किसी के माँ बाप बहन अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं? जिसके बाद माया को कुछ ऐसा पता चला कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या पता चला होगा? वो यही कि ये इनके पेरेंट्स नहीं है, ना ही ये इनकी सगी बहन है, बस वही चीज़ें पता चली होंगी, और क्या पता चलेंगी, है ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा राज था जो कि उन्हें पता चला, लेकिन कब? जब मैंने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मुझे लगा कि मे बी क्योंकि जलाने की बात की गई है तो ऐसा हुआ होगा कि एक रीबर्थ स्टोरी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टोरी को पढ़ती चली गई मेरा डाउट जो है वो एक दो चैप्टर्स के बाद जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था कि एक रीबर्थ स्टोरी है, बल्कि ये कुछ अलग ही निकल कर आई। उस आग से जो है ये बच कर निकल गई, लेकिन इनके दादाजी जो हैं वो बच नहीं पाए। एक वही थे इनके घर में जो इनका एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम, जो इनके लिए अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से अलग आप लोग देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो है, मतलब जब लीप दिखाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो माया आती हैं और उनके साथ जो है वो उनके बच्चे भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि उनका एक बेटा जिसका नाम है अंश, और उनके साथ साथ उनकी बेटी जिनका नाम है अंशी। ठीक है, और वो आती हैं अचानक से इन लोगों की लाइफ में वापस अपना बदला लेने के लिए। इनके दोस्तों ने उस टाइम पर इनकी मदद की, इनको उन सब चीज़ों से बचाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ फैमिली और उनका प्यार दिखता है हमें लगता है कि बाहर वाले ही दुश्मन है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि घर में जो है वो कुछ ऐसे मुखौटा पहनकर आपके दुश्मन बैठे हुए हैं जो कि आपको पीछे से जो है वो छुरा घोंपने को तैयार है। उस टाइम पर इनके दोस्त कह लो, इनका असिस्टेंट या कुछ भी, ठीक है, उन लोगों ने इनकी हेल्प की और ये बच गई। और बाद में जो है इन्होंने ये खुद को कहीं और ही पाती हैं, मतलब उन लोगों के साथ जो है वो शहर को छोड़कर चली जाती हैं और अपना जो है वो न्यू जो है बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं वो सामने आती हैं बदला लेने के लिए। अब आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन रुद्र की बात की जाए, उनका रोल कहाँ है? और ये बच्चे, क्या ये बच्चे शौर्य के थे? नहीं, वो बच्चे रुद्र के थे। लेकिन रुद्र और इनकी मुलाकात, यानी हमारी हीरोइन की जो मुलाकात है, वो कैसे हुई वो तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे, ठीक है। और तो और, अब जब वो वापस आई हैं तो उन्हें पता चलता है रुद्र जो है वो किसी से शादी करने वाले हैं। तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो इस शादी को रोक पाएंगी, या वो रोकना चाहती हैं कि नहीं? क्या वो रुद्र को अपनी लाइफ में लाएंगी, या फिर उनकी लाइफ में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? उनकी फैमिली इनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट, जिसका जवाब मेरे पास है लेकिन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग कैसे पढ़ोगे ना फिर अगर मैंने सारी चीज़ें बताई दी तो, है ना। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके की स्टोरी है। मोस्टली मैंने आप लोग को पूरी स्टोरी जो है वो खोल कर रख दी है, बट जो मेन पार्ट था, मतलब हमारे हीरो की साइड वाला, वो मैंने आप लोग को नहीं बताया, ठीक है। तो क्या होगा आगे इस कहानी में, जाने के लिए तो आप लोग को इस स्टोरी को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आप लोग क्या पता चला टैग्स के बारे में? रिवेंज और मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, रॉयल लाइफस्टाइल, एक्शन और फ्रेंडशिप गोल्स, ड्रामा, फैमिली गोल्स, ये सब कुछ जो है आप लोगों को इस स्टोरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ वो जो भंवरे और मधुमक्खियों वाला कॉन्सेप्ट है वो भी तो देखने को मिलेगा ना। तो वो कैसे देखने को मिलेगा, क्या होगा, ये तो आप लोग खुद इस स्टोरी को पढ़ेंगे। और जो मतलब कह लो कि कुछ क्यूटनेस, स्वीटनेस बेबीज़ की वजह से जो है वो ऐड हो ही गई कहानी में,
तो अब इच्छा आप लोग की, अगर आप लोग को इस तरीके की स्टोरीज को पढ़ना पसंद है या फिर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर कोई जाके इस कहानी को जो है वो पढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा और वो ये है कि आप लोग को इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग को खुद भी पता चल गया कि इसके चैप्टर जो है वो बहुत कम है और मैंने सारी चीज़ें खोल के रख दी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग खुद जाइएगा फिर अपना ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो स्टोरी करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल के फिर आपका मेरी वीडियो शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। तो कहानी को पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा क्या वो रिवेंज में उनकी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या से इनकी हैप्पी फैमिली बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।